अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो रुबाब व्लॉगर्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आप कह रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो जनाब मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि आज काम वाली फ्राइडे है। तो हमारे ही काम वाली जो है वो फ्राइडे को छुट्टी करती है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो मैं खुद मैंने सोचा मैं काम आज कर लूं। मैंने ना काफ़ी घर में चीज़ें वगैरह इधर उधर फेंकी हुई हैं। तो मेरी दो बेटियां हैं, तो वो माशाल्लाह से काफ़ी मतलब घर में गंद वगैरह फैला देती हैं जो काम वाली समेटती है। तो मैं भी फिर आज मैं भी ये सारा कुछ कर रही हूँ और साथ साथ मैंने अभी कुकिंग भी करनी है। गैस का बहुत इशू है, गैस बहुत कम आ रही है, तो मैंने सोचा कि गैस आ जाए तो मैंने कहा चिकन बना लूँगी आज, क्योंकि मेरी बेटी को ना चिकन ज़्यादा पसंद है। मोस्टली ये हेल्दी डाइट नहीं है, बट क्या करें, बच्चे चिकन बहुत शौक से खाते हैं पकाना पड़ता है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मेरे हस्बैंड भी मतलब सब्जियाँ शौक से ज़्यादा खाते हैं, या मतलब मटन हो गया, देसी मतलब खाने जिस तरह कढ़ी है, कोफ्ते हैं, बीफ है, वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं। ये क्यूटू सा अयान है, मेरी भांजी है कनाडा में, उनका बेटा है ये, सो क्यूट, चला गया, हम इसको बहुत मिस कर रहे हैं। तो अब ये इंशाल्लाह अगले साल आ जाएगा। तो ये जनाब मेरी बेटी का प्रोजेक्ट है जो उसने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त सा उसने बनाया। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है पढ़ाई में भी, और हर फन मौला जिसको कहते हैं ना वो है। तो जनाब मेरा आज ये फर्स्ट व्लॉग है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा खाने की तरफ जाऊंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूंगी बिकॉज गैस बहुत कम आ रही है। तो कल से इंशाल्लाह मैं ना इंशाल्लाह आप अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो करेंगे और मेरे साथ कॉपरेट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और मुझे भी, और अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। राइस मैंने रखे हुए हैं बच्चों के लिए बनाने के लिए, मैंने कहा था चिकन वाला पुलाव बना लूँगी, बट सॉरी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं करूँगी, और कल इंशाल्लाह मैं ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं किचन को भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूं, तो ये मैं किचन को नीट कर रही हूं। ये आपको तो पता है काम वालियों पे हम इतना डिपेंड नहीं कर सकते, जितना मर्ज़ी आप काम वाली भी पीछे फिर लेना, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम जो है वो छोड़ देती है ना। तो उसने भी ये मेरी काम वाली है वो भी इसी में रहती है कि मैं कहीं इधर उधर हो जाऊँ तो वो गंद मार दे, बट मैं उसके सर पे खड़ी होकर कपड़े भी धुलवाती हूँ, सफाई भी सारा कुछ करवाती हूँ। मुझे सफाई बहुत पसंद है, मैं कहती हूँ घर बिल्कुल नीट हो, और मेरे हस्बैंड भी थोड़े क्रेज़ी हैं सफाई के मामले में, तो उनको भी सफाई का बहुत ज़्यादा होता है। वो कहते हैं जब मैं घर आऊँ तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि काम अच्छा हो, बट फिर भी कहने की कमी तो रह ही जाती है ना। तो गाइस, आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो काइंडली दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी में भी मुलाकात होगी। बाय बाय।